चुनावी राजनीति पर अभी अभी बहुत लिख चुकी हूँ मराठी में लोकसत्ता में, और वो यही है कि इस राजनीति में एक मूल्यहीनता और विचारहीनता अभी हो गई है। पहले ये होता था कि विचारधारा के आधार पर ही कोई भी दल बनता था। राजनीतिक दल यानी पार्टी का अगर परिभाषा आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है एक विचारधारा, एक कार्यक्रम और उसके प्रति कटिबद्ध कैडर। लेकिन ये तीनों का अभाव दिखता है जब दलों में, तब क्या कहें, इसे राज नहीं और नीति नहीं, ऐसी हालात दिखाई देती है। और जो अलायंस या गठबंधन होते हैं वही नहीं। आज TN सेशन साहब को याद करते हैं क्योंकि अभी अभी मैं उनको चेन्नई में मिलके आई थी, उनका कल रात देहांत हो गया। TN सेशन साहब ने जो चुनावी प्रक्रिया में 1951 के जनप्रतिनिधि कानून से भी आगे बढ़कर जिस प्रकार का एक दम भरा था और चुनाव आयोग की एक कड़ी नज़र रखी थी, जिसके बीच में लैपटॉप, मंगलसूत्र और साड़ियां बांटना संभव नहीं होता था, वो सब आज ख़त्म हुआ है। आज पूंजी और बाज़ार जैसे हर त्यौहार में भी हावी है, तो ये लोकशाही का उत्सव नहीं रहा है, ये एक बदनामी की एक प्रक्रिया सी दिखाई देती है। इसके बीच में भी लोग कुछ बदलाव चाहते हैं और इसलिए महाराष्ट्र में कुछ बदलाव चाहा लोगों ने, इसलिए तमाम अंदाज झूठे ठहरे, एग्जिट पोल्स झूठे ठहरे। अब जिन्होंने आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ा, वो अगर उन लकीरों को पार करके जा रहे हैं, उसका एक मकसद ये है कि जो सत्ताधीश आज देश के ज़मीनों को ही नहीं सार्वजनिक उद्योगों को बेचे जा रहे हैं, उनको कोई ना कोई विकल्प जरूरी है ये मानना। पर इससे सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता बीच की दीवार जो है, जो संवैधानिक मूल्य के आधार पर है, जिसमें समता, न्याय, भाईचारा और समाजवाद भी है, उसको तोड़ना अगर होता है तो क्या कहें कि वोट बैंक सब मिलीजुली बन जाएगी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि राजनीतिक दलों का अपना आपसी मामला तो बाजू में रखे, पर देश के नागरिक समझे कि वो संविधान के मूल्यों की चौखट में ही अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे और जो भी सत्ता में बैठेगा उसको अस्मिता के सवालों पर नहीं, अस्तित्व के, रोजगार के, घर के अधिकार के, जीने के अधिकार के, शुद्ध पर्यावरण के, खेतीहरों के न्याय के पक्ष में ही बोलने के लिए मजबूर करेंगे।